उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं, अवश्य वो भी गाँव की शर्मीली कन्या होगी। पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन दो दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या? हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है, ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, अब बैठ जाए, ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है, व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नरक लोक में जाओगी। ओह रियली? सिक्की हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात यह है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा? ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं Look at you. No socks? मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा।